हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नेशनल हाईवे फर्स्ट आपका कहाँ से कहाँ तक है। तो वो है आपका दिल्ली से पाकिस्तान। क्लियर। अब देखते हैं नेशनल हाईवे 2, ये आपका दिल्ली से कोलकाता के लिए है। यदि आपको दिल्ली से कोलकाता की तरफ जाना है तो आप किस हाईवे का इस्तेमाल करेंगे, तो आप नेशनल हाईवे 2 का इस्तेमाल करके दिल्ली से कोलकाता तक आप पहुंच सकते हैं। अब देखते हैं नेशनल हाईवे 3 क्या कहां से कहां तक है, तो ये आपका है आगरा से मुंबई तक है। तो आगरा आपका यूपी का एक प्रतिष्ठित जिला है और मुंबई आपकी महाराष्ट्र की राजधानी है। तो नेशनल हाईवे 3 के माध्यम से आप आगरा से मुंबई के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आपका है नेशनल हाईवे 4, ये आपका है मुंबई से चेन्नई तक। तो मुंबई से चेन्नई जाने के लिए आप नेशनल हाईवे 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका है नेशनल हाईवे 5, आपका है कोलकाता से चेन्नई तक। तो कोलकाता से चेन्नई आपको जाना होगा, तो नेशनल हाईवे 5 का इस्तेमाल करके आप कोलकाता से चेन्नई जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपका नेशनल हाईवे 6, ये कहां से कहां तक है, ये भी आपका कोलकाता से मुंबई तक है। तो आप कोलकाता से मुंबई जाने के लिए आप नेशनल हाईवे 6 का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपका है नेशनल हाईवे 6, ये माफ कीजिएगा 7, ये आपका है नेशनल हाईवे 6 कहाँ से कहाँ तक, तो यूपी के वाराणसी ज़िले से कन्याकुमारी अंतरीप यानी तमिलनाडु के ठीक नीचे, अर्थात ये जो है भारत के स्थलीय सीमा का आखिरी बिंदु कन्याकुमारी अंतरीप है। क्लियर। तो यहाँ तक का सफ़र करने के लिए नेशनल हाईवे 7 का इस्तेमाल करेंगे, यानी वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक। तो ये आपका जो है प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हमने आपसे यहाँ पे चर्चा की। अब हम आपको कुछ अहम नोट पॉइंट आपको हम बताने चल रहे हैं, जिसमें आप इसको ध्यान दीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, ठीक ना। तो देखते हैं पहला आपका नोट पॉइंट क्या है। तो नेशनल हाईवे 7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि नेशनल हाईवे 7 आपका वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक है, वो वर्तमान में अब नहीं है। पहले आपका नेशनल हाईवे 7 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में जो है आपका नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 जो उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर का मतलब यहाँ पे गलियारा से है। तो फिर से हम इसको देखते हैं, नेशनल हाईवे 44 वर्तमान समय में जो कि उत्तर से लेकर दक्षिण, उत्तर मतलब आपका जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से कन्याकुमारी, यानी दक्षिण में आपका जो कन्याकुमारी क्षेत्र है वहाँ तक जो है नेशनल हाईवे 44 उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर यानी गलियारे को मिलाती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। क्लियर। अब देखते हैं वर्तमान समय में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन अभी भी लोग नेशनल हाईवे 7 को जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन अब आप इसको भूल जाइएगा। अब आपका वर्तमान में नेशनल हाईवे 44 है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, आपके सिर्स मतलब जम्मू कश्मीर और आपके पांव तले जो कि कन्याकुमारी, ठीक ना, जो कि स्थलीय सीमा का आखिरी बिंदु है। क्लियर। अब देखते हैं नोट पॉइंट आपका 2 है,
भारत का नेशनल हाईवे 47A, भारत का नेशनल हाईवे 47A जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ध्यान दीजिएगा, भारत का NH-47A नेशनल हाईवे 47A जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी कुल लंबाई मात्र 6 किलोमीटर का है। यह राजमार्ग एर्नाकुलम से कोचीन तक जाता है। तो ये जो है एर्नाकुलम से कोचीन तक, ये जो कहाँ यह एरिया कहाँ पड़ती है, तो ये आपका केरल राज्य में पड़ती है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, यदि आपको पूछ लेगा कि एर्नाकुलम से कोचीन तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 किस राज्य में वर्तमान समय में है, तो आप बताएंगे केरल राज्य में है। क्लियर, तो आप इसको केरल राज्य में ट्रिक करिएगा। चलिए अब आपको हम आगे बता दें, स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा, ये चीज़ भी आपको आपके समक्ष हम ला रहे हैं। यह चीज़ है आपका, यह गलियारा 4 महानगरों को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे से मतलब ये है कि ये जो है आपका सबसे बड़ा महामार्गों को, भारत में आपके 4 महानगर है ना, तो उन 4 महानगरों को महामार्गों में जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए महामार्गों का जो है निर्माण किया गया। तो वो 4 महानगर कौन है, तो पहला आपका दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई, चौथा आपका कोलकाता है। ये 4 महानगर हैं, इन 4 महानगरों में जाने के लिए 4 महामार्गों का जो है 4 महामार्गों का जो है यहाँ पे निर्माण किया गया। वो गलियारा इस प्रकार है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक गलियारा जो कि आपका श्रीनगर, आपके सिर पर जो कि सिरमौर जिसको बोलते हैं, जम्मू कश्मीर को सिरमौर आप बोलते हैं ना, तो सिरमौर में आपका श्रीनगर है। और उसके बाद आपका सबसे नीचे यानी कन्याकुमारी, तमिलनाडु दक्षिणी भारत का एक हिस्सा जो कि कन्याकुमारी है। तो उत्तर का गलियारा मतलब श्रीनगर और दक्षिण का गलियारा आपका कन्याकुमारी। ये जो है आपका गलियारा आपका उत्तर भारत से लेकर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और पूर्वी और पश्चिमी गलियारा, ये जो गलियारा आपका है गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान से असम के सिलचर क्षेत्र, असम का एक क्षेत्र सिलचर है जो कि आपका असम राज्य में पड़ता है। ठीक ना, तो ये जो है आपका असम राज्य में सिलचर नामक स्थान तक जाता है पूरब से पश्चिम का गलियारा। तो पूरब में आपका पोरबंदर और पश्चिम में आपका असम है, असम का एक क्षेत्र सिलचर है। तो ये दोनों गलियारे आपस में कहाँ मिलते हैं, ये दोनों गलियारे आपस में कहाँ काटते हैं, जैसे हम आपको बता दें मैप के थ्रू, ये आपका उत्तर मतलब श्रीनगर का क्षेत्र और ये आपका कन्याकुमारी। तो ऊपर से नीचे तक यदि आप जाएंगे तो ऊपर श्रीनगर, नीचे कन्याकुमारी। क्लियर, और आप जब पूरब से जाएंगे तो ये आपका हिस्सा पोरबंदर का और ये हिस्सा असम का। तो असम में आपका सिलचर क्षेत्र। क्लियर, तो ये जगह जहाँ ये काटते हैं, जहाँ आपस में मिलते हैं ये 4 महानगरों के महामार्ग, उस क्षेत्र को जो है, उस गलियारे को जहाँ ये आपस में मिलते हैं, वह क्षेत्र आपका झांसी जिला पड़ता है। उत्तर प्रदेश में झांसी ज़िले में ये गलियारे आपस में झांसी ज़िले में मिल जाते हैं, यानी आपस में काटते हैं एक दूसरे को, और फिर वहाँ से ये गुजरते हैं, एक ऊपर के लिए, एक आपके दाएं हिस्से, एक आपके बाएं हिस्से और एक आपके निचले वाले हिस्से, मतलब आपके आपके पैर की तरफ। तो ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारा हो गया। क्लियर, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में, अपना विचार
अपनी सलाह टीम स्टार क्लासेस के लिए प्रदान जरूर करिएगा। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी एक खूबसूरत अच्छे प्रकरण पर। हम आपसे विदा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।